नेशनल यूथ प्रोजेक्ट तंजीम के तहत 25 से 30 जून 2022 तक पुंछ में नेशनल इंटीग्रेशन यूथ कैंप मुनक्कद होगा। मुतल्लिका अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी तफसीली जानकारी। देश भर के किस तरीके से एक भारत को श्रेष्ठ भारत मिलजुल के बनाए जा सकते हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के इंडिया के प्रेसिडेंट श्री एच पी विश्वास जी आए हैं। ये हमारा क्या कार्यक्रम रहेगा इसकी की डिटेल आपको बताएंगे। सुनो जी, राष्ट्रीय एकता का और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप का कैंप लगाते हुए यूथ को मोटिवेट करने के लिए, यूथ के द्वारा नेशन का बिल्डिंग करने के लिए कैंप चलाते हैं। 15 से 20 साल के युवा साथी आते हैं, पूरे देश से आते हैं, मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के खाते हैं, मिलजुल के कल्चर शेयर करते हैं, लैंग्वेज शेयर करते हैं और जहाँ पे कैंप करते हैं भाईचारे का संदेश देते हैं और सभी को बताने की कोशिश करते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब मिलकर इतने बुराइयाँ हैं हमारे समाज में, भले ही वो ड्रग्स का समस्या हो, क्लाइमेट चेंज की समस्या हो, शहादत हजरत इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की मुनासबत से पुंछ के मुख्तलिफ मुकामात पर मजालिस अज़ा का किया गया इनेकाद। इमाम बारगाह आलिया पुंछ, इमाम बारगाह आलिया पलेरा में बुध और जुमेरात की दरमियानी शब में मजालिस अज़ा मुनक्कद की गई और इमाम बारगाह आलिया मंडी में जुमेरात बाद नमाज ज़ुहरैन मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर बर्फबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल, बर्फ में फंसे हुए लोगों को जंगी सतह पर बचाने के लिए कार्रवाई की गई के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, सड़कों और पुलों को पहुंचा नुकसान, कई गाड़ियां मलबे में फंस गई, इंतजामिया की जानिब से बचाव कार्रवाई की गई शुरू। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे रामबन से लेकर उधमपुर के बीच मुख्तलिफ मुकामात पर पस्सियां गिराने से जम्मू श्रीनगर राह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद। मुतल्लिका आफिसरा ने मुसाफरों को फिलहाल सफर न करने की दी हिदायत। लैंडस्लाइड आया है, पिछली बार भी यहाँ लैंडस्लाइड आया था। तकरीबन ये 80 से 100 मीटर के आसपास
का लैंडस्लाइड है, और जो हमने कंपनी से, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है ग्यामन से, इनसे जब बात की, हमने कहा कि कल शाम तक इसको क्लियर करने का टाइम लगेगा। आपके माध्यम से जो भी टूरिस्ट हैं या जो ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे जखैनी से चिनैनी वाला हो, वो भी नहीं जा पाएगा। तो मेरी सभी से निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा कि हिंदुस्तान अपनी जमीन, चाहे वो पाकिस्तानी जर इंतजाम जम्मू कश्मीर हो या चीन के पास हो, वापस लेकर भी दम लेगी। नहीं तो कल हम उसको, इस अपने क्षेत्र को, इस मातृभूमि को दुश्मनों के उस चंगुल से मुक्त कराएंगे। ये जो गुलामी की बेड़ियां हैं, चाहे वो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो, वो क्षेत्र हम मुक्त करा के वहाँ भी शान से तिरंगा झंडा लहराएंगे। ये संकल्प आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर करोड़ों करोड़ देशवासी ले रहे हैं, और हृदय से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वंदन करते हैं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रैना साहब आपने झंडे की बात की है, यहाँ पर रैना साहब आपने झंडे की बात की है, तिरंगे की बात की है, जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ से पीछे जो झंडा आप ही ने लहराया था वो करीब 1 से 1.5 महीने से फटा हुआ है, किस तरह से देखते हैं? झंडे की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, परंतु जहां पर आपका इतना भव्य कार्यक्रम होते हैं और हुआ करता है, देखिए पहले सर। मैंने अभी यहां ऑल इंडिया रेडियो ने 27 बटालियन BSF के इश्तराक से करना के कोट इलाका में कल्चरल प्रोग्राम का किया इनेकाद। मुकामी गुलकारों ने पहाड़ी गीत गाकर खूब दादो तहसीन हासिल की। मुकामी बच्चों ने भी अपने हुनर का किया इजहार। मैं अपनी तरफ से सिर्फ यही कहना शुक्रिया जाहिर करना चाहूंगा आप सब, उनको आपने रेडियो तक पहुंचाएं और उनकी हौसला अफजाई करें। तो बेसिकली हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक तो टैलेंट्स की सर्च करें, टैलेंट्स को हम उनकी हौसला अफजाई करें, उनको आगे पहुंचाएं, और दूसरी हमारी यही कोशिश होती है कि बॉर्डर पे इलाका है, जीरो ये गांव जो है मुझे लग रहा है कि 5 किलोमीटर की पट्टी के अंदर आता है, तो ऐसे गाँव में जो लोगों के मसाइल हैं वो रिकॉर्ड करें। यहाँ स्कूलों की क्या हालत है, यहाँ सड़कों की क्या हालत है, यहाँ पानी पीने के पानी की क्या हालत है। DC रामबन मुसरतुल इस्लाम ने जराए ब्लॉक के नुमाइंदों के साथ की बात। जिला में सैलाबी सूरत हाल के बाद उठाए गए इकदाम के हवाले से और नेशनल हाईवे के हवाले से दी जानकारी। बारिश हुई और मॉर्निंग में और खास तौर से जो हमारी मैंने मशीनरी डिप्लॉयड की उनकी एफर्ट्स की वजह से हमने बारिश के दौरान भी जो है वो रोड क्लियरेंस के काम जो है वो जारी रखे। मेरे पास जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें ये है कि जो 30 जगहें थी जहाँ पर हमारा LH-44 इम्पैक्ट हुआ था, उसमें से 25 जो है वो ग्रीन हो चुकी हैं, हमने उनको रिस्टोर किया है। अब कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कैफेटेरिया मोड़ है, शान पैलेस है। जिला तरक्याती कमिश्नर कठुआ ने डडोली सड़क पर तार पोल बिछाने का काम का इफ्तिताह किया। जराए ब्लॉक से बात करते हुए दी तफसीली जानकारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नेशनल रोविंग चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ स्कीम के तहत खिलाड़ियों को पहुंचाए जा रहे फायदे के हवाले से भी दी जानकारी। कल श्रीनगर फर्स्ट चेस ओलंपियाड तार चिल्ले का साक्षी बना था, और आज रोइंग के इतिहास में पहली
नेशनल चैंपियनशिप का जम्मू कश्मीर में आगाज हो रहा है। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि देश के खेल के मानचित्र में जम्मू कश्मीर भी अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहा है और मुझे विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं है